हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 7 का विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? तो रंध्र से। कहाँ से? रंध्र। मनुष्यों में दांतों के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, कितने? 4 प्रकार। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम क्या है? घटपर्णी है। स्वयं मनुष्य के शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वह परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और पानी बनता है। खाने के सोडे का रासायनिक नाम सोडियम बाई कार्बोनेट। अमीबा अपने भोजन का पाचन रसधानी में करता है। अमर बेल परजीवी का उदाहरण है। जल के गर्म करने पर ऊष्मा स्थानांतरण संवहन विधि द्वारा प्रयोग होता है। चौथी प्रश्न है, मृतजीवी परजीवी में अंतर बताना है। क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से ऊर्जा तुरंत प्राप्त होती है? सिरका, दही और पालक में पाई जाने वाली अम्ल का नाम बताना है। ऊष्माचालक ऊष्मारोधी को समझाना है, दो उदाहरण बताना है। अम्ल और क्षारकों के बीच अंतर बताना है। ये 16वां प्रश्न देख लेना। अमीबा का नामांकित चित्र बताना है और घटपर्णी का नाम अंकित। डिप्थेरियम क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, उदाहरण के साथ उनके कार्य बताना। भौतिक रासायनिक परिवर्तन में अंतर, ये 20वां, ये 21वां। प्रयोगशाला तापमापी डाक्टरी थर्मोतापमापी के बीच समांतर और अंतर। ये हमारा जो है लास्ट प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो इस 22 प्रश्न पूरे देख लेना है।